हेलो गाइज, जो आपको दो सर्प दिख रहे हैं या आप श्री में लड़ रहे हैं, तो कभी भी यदि आप दो सर्पों को यदि आप श्री में लड़ते हुए कभी देखते हैं, तो कभी भी आप उन सर्पों को या मारना नहीं चाहिए या उनको छुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार है। वो कैसे भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें इनके साथ आप बिल्कुल भी छेड़खानी न करें, इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक आपको मैं रोचक बात बताना चाहता हूँ। सर्प यदि जो दोनों जब से जीप यदि बाहर निकालता है, जैसे जीप बाहर निकालता है, तो जीप आगे के हिस्से में दो भागों में बंटी रहती है, आपने देखा होगा। लेकिन आपने ये पता नहीं लगाया होगा कि ये जीप के जो आगे के हिस्से हैं, ये दोनों क्या काम करते हैं। तो आज के मैं बताना चाहता हूँ कि जीप के जो दोनों हिस्से होते हैं, वो सांप की जो अलग अलग गंध महसूस कर सकते हैं, देखो। और उसमें क्या होता है कि गंध को चिपकाने वाले कणों में एक होता है वो मेरो ने जल क्या है कि अंग के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं, और ये ठीक उसी तरह से काम करते हैं जैसे हमारे कान है, या कान अलग अलग दिशा में से आती हुई आवाज़ को समझ लेते हैं। उसी तरह से पता कर सकते हैं कि सांप अपनी इस जीभ का उपयोग करके खतरे से बचाता है। कोई भी खतरा आता है तो उसको जीभ जल्दी बाहर निकालता है और खाना खोजता है, या प्रजनन के लिए मादा को भी सूंघता है, जिस तरह से आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये मादा को इस तरह से सूंघ रहा है, ये नर व मादा है दोनों इस तरह की जो ये हरकतें कर रहे हैं। तो आपको मैंने एक इंटरेस्ट बातें बताई है कि जो सांप की जो आगे की जो जीप होती है वो क्या काम करती है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे जाके कमेंट में लिखिए, इस वीडियो को अपने जितने भी हैं उनके साथ आप शेयर करें, और चैनल को भी, ये भी नए जुड़े हैं तो पहले इसको आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि चैनल पर भी आपको बहुत ही रोचक जानकारी आपको इस चैनल पर समय समय पर ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।